ये कहानी है एलिस की, जो अभी अभी जवान हुई है, इसीलिए उसे लड़कों में बहुत ही ज्यादा रुचि है और वो किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती है। और जब उसे कोई नहीं मिलता तब वो अपने आप को ही प्लेजर करती है और अपने आप को छूती रहती है। लेकिन वो एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है, इसीलिए उसे बार बार हिदायत दी जाती है कि ये सारी चीजें गलत है और ईश्वर के नजरों में ये पाप है। लेकिन धीरे धीरे एलिस को कुछ और सच्चाइयां पता लगती है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है यस गॉड यस। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक हाई स्कूल का दृश्य आता है और यहीं पर हम एलिस को देखते हैं। तभी हमें पता लगता है कि ये हाई स्कूल बहुत ही स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये कैथोलिक हाई स्कूल है और यहाँ पे छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चों को सजा दी जाती है, जैसे कि अगर कोई लड़का बेल्ट नहीं लगाता तब भी उसे सजा मिलती है। और ये लोग लड़कियों के स्कर्ट को हमेशा ही नापते हैं कि कहीं लड़की जरूरत से ज्यादा तो छोटी स्कर्ट नहीं पहन रही, और अगर कोई भी लड़की ऐसा करती है तभी उसे सजा दी जाती है। और अब हमारे सामने क्लासरूम का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक टीचर को देखते हैं जिनका नाम है फादर मर्फी, और वो अभी सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। और उनका कहना है कि किसी भी लड़का या लड़की को इंटीमेट तभी होना चाहिए जब उसकी शादी हो जाए और उसे सिर्फ अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना चाहिए, और अगर वो अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ इंटीमेट होगा तब ये पाप माना जाएगा और उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, और वो शादी से पहले करे या फिर शादी से बाद करे, क्योंकि ऊपर वाला ही निर्णय करता है कि हम किसी के साथ कब इंटीमेट होंगे और ऊपर वाले की नजर हम पे हर वक्त होती है, इसीलिए हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए और उसके खिलाफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। और अब क्लास खत्म हो जाती है, तब एलिस बाहर आती है, तभी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है जिसका नाम है लौरा। और लौरा कहती है कि मैं इन सारे नियमों से परेशान हो चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये नियम किसी भी काम के हैं, क्योंकि इंटीमेट होना कोई भी पाप नहीं है। तब लौरा कहती है कि क्या हस्त मैथुन करना भी पाप है? तब एलिस कहती है कि नहीं। तब लौरा कहती है कि मुझे पता है कि हम सब लोग ये करते हैं। और उसके बाद एलिस पूछती है कि क्या टाइटेनिक के उस सीन को भी देखना पाप है जहाँ पे हीरो और हीरोइन इंटीमेट हो रहे होते हैं? और लौरा कहती है कि इनके मुताबिक तो वो भी पाप है। और अब ये दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और एलिस अपने घर चली जाती है। और एलिस अपने घर पे ज्यादातर अकेली होती है, क्योंकि उसका कोई भी भाई बहन नहीं है और उसके माता पिता हमेशा ही बाहर काम करने गए हुए होते हैं। फिर जब एलिस बोर होती है तब वो किसी से चैट करने लगती है, और आज जब वो चैट कर रही होती है तभी उसे एक रैंडम आदमी का मैसेज आता है और वो उसे एक तस्वीर भेजता है जिसमें वो और उसकी पत्नी इंटीमेट हो रहे होते हैं और दोनों ही नंगे होते हैं। और इस चीज को देखने के बाद एलिस चौंक जाती है और वो उस तस्वीर से नजर हटा लेती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से उस तस्वीर को देखने लगती है। तभी वो आदमी लौरा को मैसेज करता है और उसके बारे में पूछने लगता है कि वो कौन है और कहाँ से है। तब एलिस उसे अपना गलत नाम बताती है। तब वो आदमी इसमें और भी ज्यादा रुचि लेने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास अपनी कोई तस्वीर है? और एलिस अपने एक दोस्त की तस्वीर भेज देती है। तब वो लड़का बातें करने लगता है और देखते ही देखते यहाँ का माहौल गर्म होने लगता है और एलिस को भी फीलिंग्स आने लगती है, इसीलिए एलिस एक बार फिर से हस्त मैथुन करने लगती है। तभी उसे लगता है कि उसके माता पिता आ गए, इसीलिए वो कंप्यूटर को बंद कर देती है और अगले दिन पहुंचती है स्कूल में। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम है बेथ, और बेथ एलिस से कहती है कि आजकल पता लगा है कि तुम बहुत सारे जलवे दिखा रही हो और तुमने लौरा के पार्टी में कमाल कर दिया। लेकिन एलिस को समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं। तभी लौरा बेथ से पूछती है कि तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई? तब बेथ कहती है कि मैं एक ट्रिप पे गई थी और उस ट्रिप ने मेरी जिंदगी बदल दी। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तब एलिस खाना खाने लगती है, लेकिन एलिस जब चॉकलेट खाती है तब वो उसे बहुत ही सेंसुअस अंदाज से खाती है, जिसे देख करके लड़के हंसने लगते हैं और एलिस भी चौंक जाती है, क्योंकि अब एलिस की सारी हरकतें बहुत ही अलग हो चुकी है और उसके सारी हरकतों में सेक्सुअल डिजायर झलकने लगे हैं, इसीलिए सब उसे नोटिस कर रहे हैं। लेकिन एलिस को ये बातें समझ में नहीं आती और यहाँ से चली जाती है। तभी एलिस के सामने वही लड़की आती है जिसकी तस्वीर उसने इंटरनेट पर भेजी थी, और वो लड़की एलिस पे गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम बहुत ही वाहियात लड़की हो। तभी एलिस को उसकी एक और टीचर मिलती है और वो उसे कहती है कि तुम अपने शरीर के साथ ऐसा नहीं कर सकती और उसे बिल्कुल भी अपमानित नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब गलत है और ये सब ईश्वर की देन है, इसीलिए हमें इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और एलिस समझ जाती है कि पूरे कॉलेज में ये बात फैल चुकी है कि एलिस हस्त मैथुन करती है, इसीलिए अब एलिस पहुंचती है फादर मर्फी के पास और उन्हें पूरी बात बताती है। तो फादर मर्फी बताते हैं कि ये गलत है और उसके बाद वो उसका उपाय बताते हैं और कहते हैं कि ईश्वर से तुम्हें क्षमा मांगनी पड़ेगी, इसीलिए तुम चर्च में जाओ और जाकर के ईश्वर से 20 बार प्रे करो। और एलिस भी ऐसा ही करती है, वो चर्च में जाती है और वो प्रार्थना करने लगती है। उसके बाद वो निश्चय करती है कि आजकल उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही भटक गया है, इसीलिए वो कॉलेज ट्रिप पे जाएगी जहाँ उसे ईश्वर के बारे में और भी चीजें पता लगेंगी, इसीलिए वो ट्रिप पे निकल जाती है। तभी यहाँ पे हम लौरा को देखते हैं, लेकिन लौरा इस ट्रिप पे एक लड़के को पटाने के लिए आई है जो लड़का उसका सीनियर है और वो बार बार उसे ही देख रही है। लेकिन अब ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्हें रुकना है और अब सारे लोग कैंप के अंदर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे कैंप के कुछ बच्चे आते हैं जो पहले से यहाँ पे हैं और उन्हें ग्रुप लीडर बनाया जाएगा, और यहीं पे एक लड़का है जिसका नाम है क्रिस, और एलिस जैसे ही क्रिस को देखती है वो उस पर फिदा हो जाती है। लेकिन अब ये लोग जाते हैं कैंप के अंदर, और कैंप के अंदर एलिस को एक लड़की मिलती है जिसका नाम है नीना, और नीना यहाँ की इंचार्ज है, इसीलिए एलिस को कहती है कि तुम अपना फोन दे दो क्योंकि अगले 4 दिनों तक तुम यहाँ पे रहने वाली हो और हम नहीं चाहते कि तुम किसी तरीके से कोई भी डिस्ट्रैक्शन पालो, क्योंकि तुम्हें अपना पूरा ध्यान यहीं पे लगाना है, इसीलिए अपनी फोन, घड़ी और जितनी भी चीजें वो सारी चीजें हमें दे दो। तब एलिस कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है, और इतना कहने के बाद वो अपने फोन को छुपा लेती है। तभी इन सारे बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है और एलिस के ग्रुप का इंचार्ज होता है क्रिस, इसीलिए एलिस अब बहुत खुश होती है। तभी यहाँ पे फादर मर्फी आते हैं और वो सबको बताते हैं कि अगले 4 दिनों तक तुम्हें अपने आप को एक्सप्लोर करना है और तुम लोग अपनी जिंदगी के उतार चढ़ावों को महसूस करोगे,
और ये चीज तुम्हें भविष्य में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि तुम इन सारी चीजों पर ध्यान दो और ईश्वर ने ही तुम सबको यहाँ पे आने के लिए चुना है। और इतने कहने के बाद यहाँ पे सारे लोगों को पेपर्स दिए जाते हैं जिनमें अलग अलग मूड्स होते हैं, और फादर मर्फी कहते हैं कि इनमें से अपने अपने मूड्स को चुनो, जिन चीजों को तुम लोगों ने हाल ही में महसूस किया हो। और अब सारे लोग टिक मार्क करने लगते हैं, और जब एलिस यहाँ पे टिक मार्क करती है तब वो टर्न ऑन को भी चुन लेती है, क्योंकि थोड़े दिन पहले उसे ये चीजें महसूस हुई थी और वो किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन जल्दी ही एलिस को एहसास होता है कि अगर इन्हें ये बात पता लगी तब इसके लिए भी एलिस को डांटा जाएगा, इसीलिए वो पहले उस सर्कल को मिटाने लगती है। लेकिन जब वो सर्कल नहीं मिटता तब वो उसे काट देती है और पेपर सबमिट कर देती है। तभी यहाँ पे नीना आती है कन्फेशन के लिए और कहती है कि थोड़े समय पहले मुझे लगता था कि मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते और वो सिर्फ मेरी छोटी बहन से प्यार करते हैं, क्योंकि वो हर चीज में मुझसे बेहतर है। लेकिन यहाँ आने के बाद से मुझे महसूस होने लगा कि मेरे माता पिता मुझसे भी प्यार करते हैं, इसीलिए इस जगह में कुछ ना कुछ तो शक्तियाँ हैं। और एलिस को ये बातें बहुत अच्छी लगती है। तभी हम रात को एलिस को देखते हैं जो अपने मोबाइल पर गेम खेल रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसे अपने फोन को साइलेंट कर देना चाहिए। फिर वो अपने फोन को साइलेंट कर देती है। तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है और जैसे ही वो इस वाइब्रेशन को महसूस करती है वो उससे ही अपने आप को प्लेजर करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि इस कमरे में क्रॉस लगा हुआ है और क्रॉस के सामने ये सारी चीजें करना गलत है, इसीलिए वो रुक जाती है। लेकिन अगले दिन जब ये सारे लोग ट्रैकिंग पे निकलते हैं तब एलिस जानबूझ के अपने आप को घायल कर लेती है ताकि वो क्रिस के पास जा सके, और क्रिस उसके पास आ भी जाता है। फिर वो एलिस को गोद में उठाता है और यहाँ से लेकर के जाने लगता है, और इस चीज को देख करके एलिस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो क्रिस के साथ केबिन में जाती है और क्रिस उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। तभी यहाँ पे नीना आती है और वो एलिस को कहती है कि सबको बाहर ग्रुप फोटो के लिए आना है। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी नीना वाइब्रेशन को सुनती है, और जब वो ड्रॉल को खोलती है तब उसे फोन मिलता है, इसीलिए वो एलिस पे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। और उसके बाद अब सारे लोगों की ग्रुप फोटो होती है, और ग्रुप फोटो के बाद फादर मर्फी डांटने लगते हैं एलिस को और कहते हैं कि तुमने फिर से नियमों का उल्लंघन किया है और तुमने यहाँ पे फोन छुपाया है, इसीलिए तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हें इस पूरे जगह की सफाई करनी पड़ेगी। फिर एलिस यहाँ की सफाई करने लगती है, और जब वो सफाई करते हुए फादर के कमरे में पहुंचती है तब उसे वहाँ पे एक कंप्यूटर नजर आता है, और वो देखती है कि यहाँ पे आसपास कोई नहीं है, इसीलिए वो इस कंप्यूटर पे फिर से चैटिंग करने लगती है और वो एक लड़के से हवस के बारे में पूछती है। तभी उसे लगता है कि कोई यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए वो तुरंत कंप्यूटर बंद करके भाग जाती है। लेकिन वो जैसे ही बाहर जाती है उसे नीना मिलती है और कहती है कि सारे लोग सच कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा हवस है। और इस बात को बोलने के बाद नीना चली जाती है। और अब 3 दिनों का वक्त हो चुका है इस कैंप में, और जब ये सारे लोग बैठे होते हैं तभी इनके पास मर्फी आता है और कहता है कि किसी ने मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और उसके बाद उससे चैट भी किया, इसीलिए तुम लोगों की भलाई इसी में है कि मुझे चुपचाप बता दो मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने किया। लेकिन कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए मर्फी कहता है कि ऊपर वाला सारी चीजों को देख रहा है और इसकी सजा तुम्हें ऊपर वाला देगा। और इतना कहने के बाद अब वो सारे बच्चों का इंटरव्यू लेने लगता है ताकि उसे पता लग सके कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने किया है। और जब एलिस की बारी आती है तो मर्फी उससे कहता है कि पूरे कॉलेज में तुम्हारे चर्चे हैं और तुम्हारे हवस के बारे में भी, और मैंने तुम्हारे पेपर में देखा था कि तुमने अपनी फीलिंग में टर्न ऑन को भी सर्कल किया था। तब एलिस यहाँ पे बहाने बनाने लगती है और वो मर्फी से कहती है कि मेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई है कॉलेज में और ये सब मेरे कुछ दोस्तों ने किया है, इसीलिए आपको इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और मैं एक अच्छी लड़की हूँ। और इतना कहने के बाद वो निकल जाती है और वो अपने एक क्लासमेट से मिलती है जिसने इन सारे अफवाहों को फैलाया था और कहती है कि तुम्हें सबको बताना पड़ेगा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था और तुम ये अफवाह फैलाना बंद करो। तब वो लड़का कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तभी वहाँ पे मर्फी आ जाता है और वो उस लड़के को लेकर के चला जाता है और एलिस अपने क्लीनिंग में लग जाती है। तभी एलिस खिड़की से देखती है कि नीना एक लड़के को किस कर रही है और किस करने के बाद वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। और इस चीज को देखने के बाद एलिस चौंक जाती है और उसके हाथ में एक झाड़ू होता है। तब वो झाड़ू से ही अपने आप को प्लेजर करने लगती है और प्लेजर करने के बाद वो लौरा के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है कि नीना यहाँ पे क्या कर रही थी। तब लौरा विश्वास नहीं करती एलिस पे और कहती है कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही सब चलते रहता है और तुम्हारे जितना हवस किसी में भी नहीं है, इसीलिए आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। और इतना कहने के बाद लौरा चली जाती है। तब एलिस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के का ब्रेसलेट चुराती है जिस लड़के ने उसके बारे में अफवाह फैलाई थी, और वो उसके ब्रेसलेट को ले जा करके फादर के कंप्यूटर के पास रख देती है ताकि सबको उस पर शक हो। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है और एलिस जाकर के छुप जाती है। तभी यहाँ पे फादर आते हैं और आने के बाद अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं और उसके बाद वो एडल्ट वीडियो देख करके हस्त मैथुन करने लगते हैं। और इस चीज को देखने के बाद एलिस चौंक जाती है और वो बाहर आ जाती है और उसे एहसास होता है कि सब लोगों ने कुछ कुछ छुपा रखा है और सबके अंदर ही हवस है, इसीलिए अब वो जाती है क्रिस के पास और क्रिस को किस करने लगती है। तब क्रिस भी उसे किस करता है और ये दोनों धीरे धीरे इंटीमेट होने लगते हैं। तभी क्रिस को एहसास होता है कि ये सब गलत है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब एलिस इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रही है। तभी रात में ये लोग बोनफायर बनाते हैं और उसके आसपास बैठ करके एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन एलिस अपनी ही दुनिया में खोई होती है, इसीलिए वो कैंप को छोड़ करके भाग जाती है और सुनसान सड़कों पे चलने लगती है। तभी उसे एक बार नजर आता है और वो बार के अंदर चली जाती है और यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक औरत से जिसका नाम है जीना। और अभी दोनों बातें करने लगते हैं और अब बातों ही बातों में जीना अपनी कहानी एलिस को बताती है और कहती है कि एक समय था जब वो भी कैथलिक हुआ करती थी, लेकिन एक वक्त के बाद वो सारी चीजों से तंग आ गई क्योंकि हर चीज के लिए उसे डराया जाता था कि अगर तुम ये करोगी तब तुम नर्क जाओगी, अगर तुम वो करोगी तब तुम नर्क जाओगी। इसीलिए नीना इन सारी चीजों से
से तंग आ गई। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद एलिस भी इन बातों से कनेक्ट कर पाती है, इसीलिए वो कहती है कि मैंने टाइटेनिक में एक सीन देखी थी जिस सीन में एक्टर और एक्ट्रेस इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन मुझे बताया गया कि मुझे उसके लिए भी नर्क की सजा मिलेगी, इसीलिए मैं परेशान हो चुकी हूँ। तब नीना कहती है कि सबके सीक्रेट्स होते हैं और कुछ लोग सीक्रेट्स छुपाने में अच्छे होते हैं और कुछ लोग सीक्रेट नहीं छुपा पाते हैं, और जो नहीं छुपा पाते दुनिया उन्हें ये गलत समझती है और समझती है कि उनके अंदर हवस है। और इतने कहने के बाद वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें कैंप छोड़ देती हूँ। और अब वो एलिस को कैंप छोड़ने आती है, लेकिन जब एलिस जा रही होती है तब नीना उससे कहती है कि तुम्हें दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोचना चाहिए, खास करके इस शहर से दूर। और एलिस को भी ये बात अच्छी लगती है और अब एलिस कैंप में वापस चली जाती है। तभी अगली सुबह वो फादर को देखती है जो उसी लड़के को लेकर के ऑफिस में जाता है जिस लड़के का ब्रेसलेट एलिस ने वहाँ पे रखा था। और हर जगह ये बात फैल जाती है कि उसी लड़के ने वो गंदी गंदी चैटें की है फादर के कंप्यूटर से। तब लॉरा आती है एलिस के पास और वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें गलत समझ रही थी और मुझे लगा कि वो चैट तुमने ही की है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में गलत थी, मुझे माफ कर दो। तभी यहाँ पे फादर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें कि उन्हें यहाँ पे कैसा लगा। तब यहाँ पे वही लड़का आता है जिस लड़के का ब्रेसलेट रखा था एलिस ने, और वो आने के बाद कहता है कि वो बहुत शर्मिंदा है कि उसने फादर के कंप्यूटर से गंदी गंदी बातें की। और इस बात को सुनने के बाद एलिस चौंक जाती है कि उस लड़के ने ये सब किया भी नहीं है, फिर भी वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तब उसे समझ में आता है कि वो लड़का समझ चुका है कि एलिस ने चैट की थी, लेकिन उस लड़के ने एलिस के बारे में अफवाह फैलाई थी, इसीलिए वो अपना प्रायश्चित कर रहा है। तभी एलिस की बोलने की बारी आती है और एलिस जैसे ही माइक के पास जाती है कहती है कि सबके यहाँ पे सीक्रेट है, लेकिन सबने अपने अपने सीक्रेट को छुपा रखा है, फिर भी वो दूसरे के सामने नाटक करते हैं कि सारे लोग नियमों का पालन करें और वो ईश्वर से डरे, जो बिल्कुल ही गलत है। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है। और अब एलिस पहुंचती है अपने घर, तो वो नए कॉलेजेस के बारे में सर्च करने लगती है जहां वो एडमिशन ले सकती है। लेकिन वो जैसे ही अपने कॉलेज जाती है वो क्रिस को देखती है और क्रिस बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। तब वो उसे कंफर्टेबल करती है और कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। और इस बात को सुनने के बाद क्रिस खुश हो जाता है। तब एलिस पहुंचती है फादर मर्फी के पास और कहती है कि मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। जब मैं कैंप में गई हुई थी तब मैंने वहाँ एक आदमी को देखा पोर्न वीडियो देखते हुए और वो उसके साथ साथ हस्त मैथुन भी कर रहा था। और इन बातों को सुनने के बाद फादर मर्फी समझ जाते हैं कि एलिस उन्हीं के बारे में बात कर रही है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और एलिस को कहते हैं कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम ईश्वर के पास जाओ और 100 बार प्रार्थना करो। और अब एलिस यहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो ईश्वर के पास प्रार्थना करने नहीं जाती बल्कि अपने घर वापस आ जाती है और वो फिर से टाइटेनिक मूवी को लगाती है और उसी सीन को देखती है जब एक्टर्स इंटीमेट हो रहे होते हैं और उसे देखने के बाद वो फिर से हस्त मैथुन करने लगती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।